शांति स्थापवाना हेतु थी गृहमंत्री राजनाथ सिंह काश्मीर की मुलाकात लीधी अने बे दिवसीय मुलाकात दरमियान 300 થી વધુ લોકોને મળ્યા અને કાશ્મીરમાં શાંતિ સ્થપાય તે માટે રણનીતિની ચર્ચા કરી, જે બાદ રાજનાથ અને મુફ્તીએ કાશ્મીરની સ્થિતિ પર સંયુક્ત નિવેદન પણ આપ્યું હતું। કાશ્મીરમાં હિંસાનો દોર જારી, રાજનાથની મુલાકાત દરમિયાન પણ થયા ઘર્ષણ, પેલેટ ગનના ઉપયોગ સામે વિવાદ। काश्मीर में शांति स्थापना हेतु थी गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू काश्मीर प्रवासे हता, जहां तेमणे राजनेता सहित कुल 300 लोगों की साथे मुलाकात करी। राजनाथे तेमना प्रवास ना आखरी पड़ाव में श्रीनगर की मुलाकात ली थी, जहां राजनाथे अने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीए जम्मू काश्मीर की स्थिति पर संयुक्त प्रेस करी, जेमा राजनाथे शांति की अपील करी हती। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। सभी यह चाहते हैं कि कश्मीर वैली में अमन अमान के हालात कायम हों, सबकी इच्छा है। मैंने भी सभी से पूरी तरह से सहयोग करने की अपील की है। मिलने वालों की संख्या के बारे में भी मैं कहूं तो वह लगभग 300 के आसपास लोग कल से लेकर आज तक मुझसे मिले हैं और उनसे मैंने चर्चा की है। जो भी कश्मीर वैली के हालात हैं उसको लेकर हम लोग भी बेहद दुखी हैं। पैलेट गन ना उपयोग सामे विवाद, पैलेट गन ना उपयोग पर कमिटी आपशे रिपोर्ट, रिपोर्ट बाद पैलेट गन नो शोधाशे विकल्प। घाटी में घर्षण दरमियान सेना द्वारा पैलेट गन नो उपयोग कराई छे, जेथी पैलेट गन ना स्थाने अन्य कोई हथियार वैकल्पिक तरीके राखवामां आवशे तेवुं पण राजनाथ सिंहे जणाव्युं हतुं। आ अंगे एक कमिटीनी रचना कराई छे, जे बे महिनामां पोतानो रिपोर्ट सौंपशे, जे बाद पैलेट गन नो विकल्प सरकार द्वारा आपवामां आवशे। विदिन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट आ रही है। और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। पहले यह माना गया था 2010 में कि पैलेट गन नहीं, एक ऐसी नॉन लेथल वेपन है कि जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सकता है, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कोई ना कोई इसका अब अल्टरनेट होना चाहिए। 95% લોકો ઈચ્છે છે શાંતિ, 5% લોકો પોતાના હિતો માટે ખોટા માર્ગે, કાશ્મીરને નહીં બનવા દઈએ નર્ક। જમ્મુ કાશ્મીરની સ્થિતિ અંગે સંયુક્ત પ્રેસમાં વાત કરતા મહેબૂબાએ કહ્યું હતું કે 95% લોકો શાંતિ અને વાર્તા ઈચ્છે છે, પરંતુ 5% લોકો પોતાના અંગત હિતના કારણે ખોટા માર્ગે છે। તો ઉમર સરકારના સમયની એક ઘટનાની તુલના 2016 ની ઘટના સાથે મહેબૂબા ભડકી ઉઠ્યા હતા। જો લોગ યહાં તબાહી મચાતે હૈ 5% ઉનકે સાથ કાનૂની કાર્રવાઈ હોગી, કાનૂન કે તહત ઉનકો ડીલ કિયા જાયેગા, ઉનકો યે ઇજાઝત નહીં દી જાયેગી કે વો યહાં જો અક્સરિયત લોગો હૈ ઉનકી જિંદગી કો વો મહાલ બના દે, જહન્નમ બના દે। જો છોટે છોટે બચ્ચે ઓર ગરીબ બચ્ચોં કો એક્સપ્લોઇટ કરકે કેમ્પ્સ પે સડકોં પે પથ્થર મારને કે લિયે તૈયાર કરતે હૈ, मुझे लगता है उसके बीच में हमें डिफरेंस फर्क करना चाहिए। काश्मीर की स्थिति पर राजनाथे चिंता व्यक्त करता कहूं छे कि काश्मीर ना भविष्य थी भारत नु भविष्य नक्की थशे। तेमने कहूं छे कि आपणे एवा असामाजिक तत्वों शोधवाना छे कि जो काश्मीर शांति ना दुश्मन छे। उल्लेखनीय छे कि राजनाथ सिंह काश्मीर की हालत जोता महीनाओं में बीजी वक्त घाटी की मुलाकाते आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। साथे बुलेटिन में लाइए ब्रेक, ब्रेक बाद अन्य महत्वपूर्ण समाचार आप जोता रहो बीटीवी।